नमस्कार, बीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में रविवार सुबह 7 बजे से ईडी की टीम ने शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर छापा मारा। रात 12 बजे धन शोधन रोकथाम कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो संजय राउत के घर पर मिले कैश में 10 लाख रुपयों के बंडल पर एकनाथ शिंदे अयोध्या लिखा हुआ था। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। वहीं अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा है कि ये कार्रवाई तो ईडी को कई महीने पहले कर देनी चाहिए थी। पात्रा चौल समेत कई जगहों पर घोटाला हुआ है। संजय राउत 25 से 30 कंपनियों में पार्टनर हैं और उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुट के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को गन का लाइसेंस मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के सिलसिले में रविवार सुबह 7 बजे से ईडी की टीम ने शिवसेना नेता संजय राउत के घर पर छापा मारा। उनके घर पर करीब 9 घंटे, फिर दक्षिण मुंबई स्थित ईडी दफ्तर में 7 घंटे चली पूछताछ के बाद रात 12 बजे धन शोधन रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। संजय के घर से एजेंसी ने 11.50 लाख रुपए भी जब्त किए। ईडी अधिकारियों ने बताया कि जांच में सहयोग नहीं करने के कारण राउत को गिरफ्तार किया है। ईडी उन्हें आज सोमवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड मांगेगी। ईडी टीम रविवार सुबह 7 बजे औद्योगिक सुरक्षा बल के दस्ते के साथ राउत के भांडुप स्थित घर पहुंच गई थी। ईडी की अन्य टीमों ने इस बीच दादर गोरेगांव में भी सर्च ऑपरेशन चलाया। शाम को टीम दस्तावेज के साथ संजय को लेकर घर से निकली। ईडी ने उन्हें 20 और 27 जुलाई को तलब किया था, लेकिन संसद सत्र का हवाला देकर वह पेश नहीं हुए। ईडी के साथ जाने से पहले संजय ने मीडिया से कहा, उन्हें फंसाया जा रहा है। 1040 करोड़ के चौल घोटाले में राउत से 28 जून को पूछताछ हुई थी। ईडी सूत्रों ने कहा DHFLS बैंक घोटाले में भी संजय से पूछताछ होगी, जिसमें पुणे का कारोबारी अविनाश भोसले गिरफ्तार है। सूत्रों का दावा है कि दोनों घोटाले जुड़े हुए हैं। पात्रा चौल भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिर्फ संजय राउत ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी वर्षा राउत भी आरोपी है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के घर पर ईडी ने रविवार को छापा मारा था और इस दौरान उसे 11.5 लाख रुपए की कैश रकम मिली थी। एजेंसी का कहना है कि यह रकम अघोषित आय से थी। हालांकि इस मामले में बड़ा ट्विस्ट यह आ गया है कि संजय राउत के घर पर मिले कैश में से 10 लाख रुपयों के बंडल पर एकनाथ शिंदे अयोध्या लिखा था। अब इस पर राजनीति तेज हो गई है। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि 10 लाख रुपए की रकम पार्टी फंड की है, इनके लिए एकनाथ शिंदे अयोध्या का जिक्र भी था। अब एकनाथ शिंदे गुट ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि संजय राउत की चालाकी भी हो सकती है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि संजय राउत बहुत होशियार है और हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर एकनाथ शिंदे के नाम पर 10 लाख रुपए रखे हो। हो सकता है संजय राउत एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ करना चाहते हो। याद रखें, औरंगाबाद में एक मीटिंग में बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा था कि संजय राउत के घर मिले पैसों पर मेरा नाम है, तो उनसे ही पूछ लीजिए, मैं गैर जरूरी बातों में नहीं पड़ता हूँ। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने ईडी को बताया 11.50 लाख रुपए की रकम में से 10 लाख पार्टी फंड के हैं। दीपक केसरकर ने स्पष्ट किया कि एकनाथ शिंदे का इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग जब गुवाहाटी में थे तब भी यह आरोप लगाए गए थे कि विधायकों को पैसे दिए गए हैं। हमने तब भी कहा था कि हमारे होटल के कमरों और घरों की तलाशी ले ली जाए। शिवसेना नेता संजय राउत पर हुए ईडी के एक्शन पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा की प्रतिक्रिया सामने आई है। अक्सर शिवसेना पर हमलावर रहने वाली नवनीत राणा ने कहा है कि यह कार्रवाई तो ईडी को कई महीने पहले कर देनी चाहिए थी। पात्रा चौल समेत कई जगहों पर घोटाला हुआ है। संजय राउत 25 से 30 कंपनियों में पार्टनर है और उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। यही नहीं, नवनीत राणा ने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई को भ्रष्टाचार के जरिए खाने वालों के खिलाफ ईडी को एक्शन लेने का अधिकार है। नवनीत राणा ने कहा, संजय राउत तो ईडी के समन का ही जवाब नहीं दे रहे थे। कभी सरकार गठन की बात करते थे तो कभी कहते थे कि संसद के सत्र में व्यस्त हूँ। भ्रष्टाचार के मामलों में वही जवाब नहीं दे पाता है जो गलत हो। महाराष्ट्र की जनता भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध जरूर लड़ेगी, यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया था। उन्होंने कहा कि यदि आप इतने चरित्रवान हैं तो पहले ही आपको पूछताछ में शामिल होना चाहिए था।
यदि आप गरीबों की कमाई से संपत्ति बनाते हैं तो फिर ईडी को पूरा अधिकार है कि पूछताछ की जाए। अमरावती की सांसद शिवसेना पर लगातार हमलावर रही है। सीधे उद्धव ठाकरे पर भी वह कई बार निशाना साध चुकी है। उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में उन्हें और उनके पति रवि राणा को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुट के बाद अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया है। शिंदे ने कोर्ट में ताजा हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उद्धव कैंप की तरफ से दायर याचिकाओं को खारिज करने की मांग की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि असली शिवसेना चुनने की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए। खास बात है कि चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से 8 अगस्त तक दावे और आपत्ति मंगाए हैं। उद्धव कैंप की तरफ से दी गई याचिका में बागी विधायकों पर फैसला आने तक चुनाव आयोग को कोई भी फैसला लेने से रोकने की मांग की गई थी। शिंदे के हलफनामे में 15 विधायक 39 के समूह को बागी नहीं कर सकते। वही सीएम के एक करीबी ने कहा है कि पार्टी की मान्यता और चुनाव चिन्ह के मुद्दों से चुनाव आयोग निपटाया है। अगर सभी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट के पास आने लगेगी तो ऐसी अथॉरिटी का मतलब क्या है। एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि विधायकों को अयोग्य ठहराने के मुद्दे पर स्पीकर को फैसला लेना चाहिए और कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही हलफनामे में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के फैसले का भी जिक्र किया गया है। उद्धव खेमे की तरफ से कोश्यारी के इस फैसले को भी चुनौती दी गई है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को गन का लाइसेंस मिल गया है, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। सलमान खान को कुछ वक्त पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सलमान को सतर्क रहने के लिए कहा गया था। एक ओर जहां सलमान को गन का लाइसेंस मिला है तो दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी को भी अपग्रेड किया है। सलमान ने अपनी गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूजर में कुछ आर्मर्स के साथ ही कार को बुलेट प्रूफ करवाया है, यानी सलमान की गाड़ी अब बुलेट प्रूफ है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने 22 जुलाई को मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। तब बताया गया था कि सलमान ने हथियार लाइसेंस के आवेदन के लिए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी और आवेदन दिया था। एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की है। इस आवेदन के बाद आधिकारिक तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्रिमिनल रिकॉर्ड की जाँच हुई और मामले की गंभीरता को देखते हुए गन लाइसेंस जारी कर दिया गया। याद दिला दे कि लॉरेंस बिश्नोई ने गिरोह के 3 सदस्यों में अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी भरा पत्र भेजा था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति निवास में घुस गए थे, वैसे ही भारत में भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री आवास में घुस कर बैठेंगे। तो एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी आ गई है। वही अहम सवाल ये है कि अर्पिता मुखर्जी के यहाँ से मिले कैश और आभूषणों के साथ ईडी क्या करने वाली है। इसके अलावा मंकी पॉक्स के खतरे के बीच केरल के त्रिशूर में शनिवार को 22 साल के शख्स की मौत हो गई, हालांकि इसकी पुष्टि अभी बाकी है। तो उधर मार्गरेट अल्वा का कहना है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू इतनी अच्छी प्रत्याशी थी कि अगर इस चुनाव में मतदान का उनको हक होता तो वो मुर्मू को ही वोट देती। देश भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। AIMIS प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति निवास में घुस गए थे, वैसे ही भारत में भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बैठेंगे। ओवैसी ने कहा कि श्रीलंका की ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वहां की सरकार ने बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे का समाधान नहीं किया। भारत में भी लोग अब सड़क पर उतरने लगे हैं। अग्निवीर योजना के विरोध से लेकर किसान आंदोलन तक लोगों का नेताओं पर भरोसा कम हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में टॉक जर्नलिज्म में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि CAA, किसान बिल, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर जनता सड़क पर उतरी है। ओवैसी ने यहां आरोप भी लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों से कार्यपालिका संसद में विधायक को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, जिससे बहस की गुंजाइश कम हो सकती है। उदयपुर की घटना के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि हमने घटना की निंदा की है और हमारा मानना है कि जब कन्हैया लाल ने पुलिस को शिकायत दी थी तब पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर उस वक्त कार्रवाई की गई होती तो यह घटना नहीं होती। प्रशासनिक विफलता के कारण भी कई परेशानियां सामने आती है, ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 36 रुपए सस्ता हो गया है। इस कटौती के बाद दिल्ली में इसकी कीमत 1,976 रुपए की गई है।
इससे पहले यह 2012 रुपए में मिल रहा था। लगातार दूसरे महीने कमल शेयर सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। इससे पहले 1 जून को इसकी कीमत में 135 रुपए की कटौती की गई थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी होने से बाहर खाना पीना सस्ता हो सकता है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसकी कीमत में 6 जुलाई को 50 रुपए का इजाफा हुआ था। बता दे कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में काफी उछाल आई थी। इस समय यह $139 प्रति बैरल पहुंच गया था। इस कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। हालांकि हाल के दिनों में इसमें गिरावट आई है और अभी यह $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज सोमवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.1% यानी $1.19 की गिरावट के साथ $102.78 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। यूएस वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड भी 1.5% गिरावट के साथ $97.19 प्रति बैरल पर है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर में छापेमारी के दौरान 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। ईडी ने 5 किलो से ज्यादा सोने चांदी के गहने भी जब्त किए हैं। पहली बार नहीं है जब महिला नेता या सेलिब्रिटी के घर पर छापे में इतना कैश, सोना और लग्जरी सामान मिला है। इससे पहले तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के घर से कैश, सोने चांदी के साथ 11,000 से ज्यादा साड़ियां, फुटवियर और महंगी घड़ियां भी बरामद हुई थी। 26 साल से यह सभी सामान कर्नाटक हाईकोर्ट की हिरासत में है और अब सड़ने लगे हैं, मगर आज तक इनकी नीलामी नहीं हो सकी है। दरअसल छापे के दौरान जितने भी सामान जब्त होते हैं सभी को सरकार के मालखाना या भंडार घर में जमा कर दिया जाता है। जितने भी वर्ष कोर्ट में केस चलता है उतने दिन सामान मालखाने में ही रहता है। फिर भले ही जब्त संपत्तियों में कैश हो, सोना चांदी हो, बाकी ज्वेलरी हो, कपड़े हो, जूते हो, हैंडबैग, घड़िया या अन्य कोई लग्जरी आइटम हो, उनकी नीलामी नहीं होगी। अगर कोर्ट में केस 20-30 वर्ष भी चलता है तब भी सामान मालखाने में ही रहेगा और उसकी रखवाली होगी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही जे जयललिता के घर पर वर्ष 1997 में इनकम टैक्स विभाग ने रेड की थी, जिसमें 29 किलो सोना, 800 किलो चांदी, 11,344 साड़ियां, 250 सॉल, 91 कीमती घड़िया और 750 जोड़ी जूते चप्पल मिले थे। जयललिता पर आरोप थे कि उन्होंने यह संपत्ति बतौर मुख्यमंत्री 1991-96 में अपने पहले कार्यकाल में बनाई थी। देश भर में मंकी पॉक्स का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच केरल के त्रिशूल में शनिवार को 22 साल के शख्स की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि युवक 21 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था, जिसके बाद उसे 27 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस मामले में हैरानी की बात यह है, युवक यूएई में मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था। भारत लौटने के एक दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद लक्षण दिखने पर उसने त्रिशूल में इलाज की मांग की थी। हालांकि उसकी मौत मंकी पॉक्स से हुई है या नहीं फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जॉर्ज का कहना है कि इस मामले के लिए उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। युवक की मंकी पॉक्स से मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पुन्नयूर में बैठक भी बुलाई है। देश वापसी के बाद से मृत युवक की संपर्क सूची और रूट मैप का तैयार किया जा रहा है। फिलहाल जांच के लिए युवक के सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेज दिए गए हैं। अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो यह देश में मंकी पॉक्स से मौत का पहला मामला होगा। जॉर्ज के मुताबिक युवक के परिवार ने कल ही यूएई में जांच की रिपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों को दी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से चुनाव मैदान में उतरी मार्गरेट अल्वा का कहना है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू इतनी अच्छी प्रत्याशी थी कि अगर इस चुनाव में मतदान का उनको हक होता तो वह मुर्मू को ही वोट देती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी को चुनकर देश ने आदिवासी समाज को आवाज दी है। उनको हमेशा हकों के लिए लड़ना पड़ता है। करीब 30 साल सांसद, केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल रह चुकी अल्वा ने कहा कि देश के सामने पहली महिला उपराष्ट्रपति चुनने का ऐतिहासिक अवसर आया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होना है। जिस तरह लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भारी मतदान किया, वैसा ही समर्थन वे उपराष्ट्रपति चुनाव में दक्षिण की एक महिला के पक्ष में करेंगे। मैं लोकसभा और राज्यसभा की हर महिला सांसद को निजी तौर पर पत्र लिखकर उनसे वोट की अपील करूंगी। संसद में इस समय 100 से अधिक महिला सदस्य है और मुझे उम्मीद है कि उनको खुले दिल से वोट और समर्थन मिलेगा। यह प्रधानमंत्री और देश के लिए गौरव की बात होगी कि 2 सर्वोच्च पदों पर सक्षम महिलाएं होंगी। मैं राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन को सफलता से चलाकर सरकार की मदद ही करना चाहूंगी। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने साल 2029 तक इनकम टैक्स के बेसिक रेट को 20% तक कम करने का वादा किया है।
वहीं भूवैज्ञानिकों की माने तो 29 जुलाई को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे के चक्र के पहले ही पूरी घूम गई। तो स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज आज भारत में ऊर्जा की बचत करने वाले प्लान को मंजूरी देने वाले हैं। इस प्लान से पहले सांचेज ने लोगों से अपील की है कि वे शर्ट पर टाई बांधना बंद कर दें। इसे लेकर लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण इस साल देश की फसल सामान्य से आधी हो सकती है। तो उधर इंडोनेशिया ने सर्च इंजन याहू सहित पेमेंट फर्म पेपल और गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स के प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए। दुनिया भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रिटेन की जनता टैक्स को लेकर परेशान है। इसे देखते हुए सुनक ने लोगों को राहत देने वाली बात कह दी है। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने साल 2029 तक इनकम टैक्स के बेसिक रेट को 20% तक कम करने का वादा किया है। टैक्स को लेकर उनकी नीतियों में ये बड़ा बदलाव है, क्योंकि शुरुआत से ही सुनक इस बात पर जोर देते रहे हैं कि वो लुभाने वाली पॉलिसी से दूर रहेंगे। वही सुनक टैक्स कम करने के पक्ष में कभी नहीं थे, लेकिन 3 दिन पहले यानी 29 जुलाई को सुनक ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए एनर्जी बिल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स को खत्म करने का वादा किया था। अब वे इनकम टैक्स कम करने का वादा कर रहे हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए लीज ट्रस और ऋषि सुनक में टक्कर है। 26 जुलाई को दोनों नेताओं के बीच टीवी डिबेट हुई थी। उस समय तक सुनक टैक्स दर कम करने के खिलाफ थे। डिबेट में ट्रस ने कहा था कि पीएम बनने पर वे टैक्स रेट कम करेगी। इस पर सुनक का कहना था कि ट्रस की कर कटौती की योजना लाखों लोगों को दुख में मार डालेगी और अगले चुनाव में कंजर्वेटिव को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस डिबेट के बाद से ट्रस को बढ़त मिल गई। अब सुनक ट्रस के मुकाबले बड़े अंतर से पिछड़ते देख रहे हैं। इसलिए टैक्स को लेकर सुनक की इन नीतियों को लीज ट्रस से आगे निकलने वाली स्ट्रेटेजी के रूप में देखा जा रहा है। क्या पृथ्वी ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी है? भूवैज्ञानिकों की माने तो 29 जुलाई को इसने 24 घंटे चक्र को पूरा भी नहीं किया और अपनी धुरी पर उसने पहले ही पूरी घूम गई। वैज्ञानिकों के लिए यह शोध का विषय है कि आखिर पृथ्वी की गति बढ़ने की वजह क्या है। यह कई तरह की चिंताओं की वजह भी बन सकती है। 29 जुलाई यानी शुक्रवार को पृथ्वी ने अपने अक्ष पर घूमने का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। पृथ्वी के घूर्णन की गति का मानक समय 24 घंटे का है, यानी पूरे 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर काटती है। लेकिन उस दिन इसने यह चक्कर 1.59 मिली सेकंड में पहले ही पूरा कर लिया। माना जा रहा है कि अगर पृथ्वी के घूर्णन की दर बढ़ती रही तो इससे निगेटिव लीप सेकंड की शुरुआत होगी, जिसे पृथ्वी जितने समय में सूर्य का चक्कर लगाती है उसके दर को एटॉमिक क्लॉक से सुसंगत बनाए रखने में चुनौती खड़ी हो सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह इसके कोर आंतरिक या बाहरी परतों, महासागरों, ज्वार या यहाँ तक कि जलवायु में परिवर्तन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं की वजह से हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ अनुमान है। कुछ शोधकर्ताओं को लगता है कि इसका कारण पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों की सतह की गति से जुड़ा हो सकता है, जिसे चैंडलर वोबिल के नाम से जाना जाता है। चैंडलर वोबिल के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है, जो कि 14 महीने की अवधि के साथ पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष के अंडाकार दोलन को कहा जाता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज देश में ऊर्जा की बचत करने वाले प्लान को मंजूरी देने वाले हैं। इस प्लान में पहले सांचेज ने एक ऐसी सलाह लोगों को दी है जिसका सोशल मीडिया पर खूब मजाक बनाया जा रहा है। पीएम सांचेज ने लोगों से अपील की है कि वे शर्ट पर टाई बांधना बंद कर दें। उदाहरण देते हुए कहा कि वह खुद भी टाई लगाना बंद कर चुके हैं। उन्होंने ऑफिस जाने वाले लोगों को सिर्फ शर्ट और पैंट पहनने की अपील की। उन्होंने टाई न पहनने के पीछे तर्क दिया कि इससे गर्मी कम लगेगी। पेड्रो सांचेज ने कहा कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही जगहों पर बिजली बचाने के लिए लोगों को इस तरह के उपाय अपनाने चाहिए। टाई नहीं पहनने से लोगों को गर्मी नहीं लगेगी और एयर कंडीशनर का उपयोग बेहद कम हो जाएगा, इससे ऊर्जा की खपत होगी। बता दे, स्पेन के अलावा यूरोप के कई और देशों में भी इस वक्त बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। स्पेन में पर्यावरण मंत्रालय ने पहले ही एयर कंडीशनर का तापमान 27 डिग्री पर रखने को कहा है, ताकि बिजली की बचत हो सके। स्पेन में पिछले कुछ माह में बिजली की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। बिजली का यह संकट यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की वजह से और गहराया है। हालांकि गर्मी की लहर के कारण पिछले 2 हफ्तों में स्पेन में 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप के कई देशों ने ऊर्जा बचाने और रूसी गैस पर निर्भरता को कम करने के उपायों को अपनाया है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण इस साल देश की फसल सामान्य से आधी हो सकती है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्विटर पर अंग्रेजी में लिखा है कि यूक्रेन में इस साल फसल के कम होने का खतरा दोगुना है। हमारा मुख्य लक्ष्य रूसी आक्रमण के कारण वैश्विक खाद्य संकट को रोकना है, फिर भी वैकल्पिक रूप अनाज वितरित करने का तरीका ढूंढते हैं। बता दें कि अनाज का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश यूक्रेन काला सागर बंदरगाहों के रूसी नौसैनिक नाकाबंदी के कारण अपने उत्पाद को खरीदारों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी क्रम में गत 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के नेतृत्व में हस्ताक्षरित एक समझौता किया गया, जो 3 दक्षिणी यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज ले जाने वाले जगहों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ओडेसा क्षेत्रों में काला सागर के पास स्थित एक पोत का दौरा कर अनाज का निर्यात व्यवस्था का निरीक्षण किया। रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद पहली बार यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र के अनाज के निर्यात की शुरुआत हुई है। यूक्रेन से अनाजों की निर्यात की शुरू होने से दुनिया के कई देशों के लोग लाखों लोगों को राहत मिलेगी। जेलेंस्की ने कहा कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही पहली बार जहाज के जरिए अनाज का निर्यात फिर से शुरू हुआ है। यूक्रेन की सेना अनाजों से भरे जहाजों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि यूक्रेन वैश्विक खाद्य सुरक्षा का गारंटर बना रहे। इंडोनेशिया ने सर्च इंजन याहू सहित पेमेंट फर्म पेपल और गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स के प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिए। दरअसल इंडोनेशिया में नए लाइसेंसिंग नियम लागू हुए थे, जिनके तहत यह कारोबार कर रही सभी कंपनियों को सरकारी डाटाबेस पे पंजीकरण करवाना जरूरी था। शुक्रवार को इसकी समय सीमा खत्म हो गई। इंडोनेशिया के संचार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी सैमुएल अब्रिजानी ने एक संदेश में कहा कि जिन प्लेटफॉर्म को पंजीकरण न करने के एवज में अवरुद्ध कर दिया गया है, उनमें याहू, पेपल और स्टीम, डोटा 2, काउंटर स्ट्राइक और एपिक गेम जैसी गेमिंग साइटें शामिल हैं। कई टेक कंपनियों ने समय सीमा तक पंजीकरण करने के लिए प्रयास किया, जिसे शुक्रवार तक बढ़ा दिया गया था। इन कंपनियों में अल्फाबेट इंक, मेटा प्लेटफॉर्म इंक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, अमेजोन आदि कंपनियां शामिल थी। उन्होंने समय से अपना प्लेटफॉर्म पंजीकरण करवा लिया। पेपल इंडोनेशिया में बेहद लोकप्रिय है। ऐसे में सरकार के कदम के बाद लोगों को पैसे ट्रांजैक्शन करने के बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद ट्विटर पर ये कंपनियां ट्रेंड कर रही है। कई यूजर सरकार के इस कदम की आलोचना भी कर रहे हैं। नवंबर 2020 में जारी नए नियमों में यह भी प्रावधान है कि टेक कंपनियों को 24 घंटे में गैर कानूनी या कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली सामग्री हटानी होगी। सरकार आदेश दे तो सिर्फ 4 घंटे की मोहलत मिलेगी। तो वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।